इंदौर, भोपाल, जबलपुर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 21 मार्च रविवार को लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया था। इंदौर शहर में पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहा। इंदौर के हर क्षेत्र में पुलिस और नगर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। फालतू आने जाने वाले को पूछताछ कर उन पर धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। अब बात करें हम थाना MIG के, तो नियमों का पालन कराया जा रहा है। TI साहब द्वारा बताया गया हमें कि जनता सिर्फ मेडिकल पर्ची, दवाई गोली के बहाने लेकर घूमने निकल गई है। इसको देखते हुए सख्त कार्रवाई की गई है। अब बात करते हैं पाटनीपुरा चौराहे की। यहाँ महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा मोर्चा संभाला गया, साहसपूर्ण कार्य किया गया। बात करें मालवा मिल चौराहे की, तो चौराहे पर दो थानों की चेकिंग पोस्ट लगता है, लेकिन दोनों थाने दोपहर के समय मौजूद नहीं थे। साथ ही अब बात खजराना की, वह शाम के समय स्वयं TI साहब मौजूद थे, जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। लोगों से उठाकर उठक बैठक भी लगवाई। इंदौर में कहीं जनता जागरूक दिखी तो कहीं जनता नादानी दिखाते हुए दिखी है। सुरक्षा समिति में महिलाओं का आना और लॉकडाउन लगाओ जिस प्रकार से चल रहा है, उसमें इनका कार्य क्या है, कैसे कार्य होगा? हमारा महिलाओं का संगठन मजबूत है। महिलाएं नगर सुरक्षा समिति में बरसों से जुड़ी हुई है। हमारा संगठन 94 का है, तब से महिलाओं का पूरा सहयोग मिलता है और शहर के लिए महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। और अभी इसे किस प्रकार कार्य किया जाएगा इनके द्वारा? इनके द्वारा जैसा पुलिस के साथ मिलके जैसा पुलिस निर्देशित करती है हम लोगों को, वैसा ही हम लोग सब सहयोग करते हैं। आपका सुनना जुगल किशोर गुर्जर, SP संयोजक, इंदौर। किस प्रकार से पालन कराया जा रहा है जनता का? जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों से अपील की गई है, सभी शहरवासियों से अपील की गई है कि अपने घरों में रहें। ये जनता कर्फ्यू है और जनता के लिए सुविधा के लिए है। उसके बाद भी हम लोगों को ड्यूटी लगाया गया है, जो हमारे चेकिंग पॉइंट्स चल रहे हैं पूरे ज़िले में। अगर कोई उसके बावजूद नहीं मानते हैं तो उनको समझाइश दी जा रही है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक किस प्रकार से कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई, किन किन लोगों पर? हमने सुबह से अभी तक करीब 12-13 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, थाने में खड़ी हुई हैं। उनका जस्टिफिकेशन देखेंगे, उसमें ये भी अधिकारियों ने आदेश दिया है कि उसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन जिनाई है, कौन नहीं है। जो नहीं होंगे उनकी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? विनोद कुमार दीक्षित, TI MIG। सर, ये जो संडे लॉकडाउन का आदेश था, जनता ने किस प्रकार से पालन किया, किस प्रकार से आपके साथियों ने पालन करवाया? देखिए, पालन तो थोड़ा करवाना पड़ा, जनता अभी भी इतनी अवेयर नहीं है। थोड़ा सा कई लोग अपने घरों में रहे, लेकिन फिर भी कुछ लोग अनावश्यक घरों से बाहर निकले, उन पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। कुछ को संदेश दे के छोड़ा भी गया है। हालात ये है कि कोरोना का जो शासन का जो आदेश है, उसको पालन कराने के लिए लोगों को खुद आगे आना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, परिवार और खुद की सुरक्षा के लिए घरों में रहना चाहिए। अभी तक कितनी चालानी कार्रवाई की गई है? अभी तो थाने में करीब 20-30 लोगों को पकड़ा है जो अनावश्यक घूम रहे थे, उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा कई लोगों को संदेश भी दी गई है। लोग जो सामान्य बहाना मेडिकल का ही लेकर निकलते हैं, उससे जो सही व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति होता है, उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपका सुनना? थाना प्रभारी खजराना, दिनेश वर्मा।